सीबू गेम बोर्ड लेके एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक और धमाकेदार वीडियो जिसमें हम जानेंगे आइसक्रीम 3 के स्पॉन के राज। आई नो भाई, इस गेम को लॉन्च हुए काफ़ी दिन हो गए और आप इसकी सारी सीक्रेट जानते भी होंगे, लेकिन कुछ कुछ सीक्रेट है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि गोल्डन फिश कैसे ले और गोल्डन गन्स कैसे ले, जो एक चैलेंज है जो बहुत परेशान करता है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक और वीडियो मैं आगे लाऊंगा, बताइए आपको चाहिएगा होगा कि नहीं। वो होगा कि आइसक्रीम में लास्ट में जो रेड हॉर्स चाहिए रहता है हमको, उसको पार करने के लिए एक चैलेंज होता है बाइक रेस का, वो आपको पार करना है कि नहीं, आप कैसे पार करें वो आपको जानना है कि नहीं, ये मुझे बताइएगा। तो पहला राज ये है, पहला सीक्रेट ये है कि आप इस पॉइंट के बीचों बीच खड़े होंगे तो आइसक्रीम है रॉड आपको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं घोस्ट मोड में नहीं हूँ, मैं हूँ नॉर्मल मोड में, तो ये बार बार अटक गया है रॉड वहीं पर, म्यूज़िक बजा रहा है। तो देखिए आखिरकार हम इसका खात्मा कर ही देते हैं। तो यही नहीं, मैं और काफ़ी सीक्रेट इसका बताता हूँ। ये गन अगर आपके हाथ में है और आप पॉन्ड के अंदर हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कभी सोचा है? तो पहले एक बार शूट करके देखते हैं पानी को क्या होता है। तो इसमें शूट करते हैं तो देखिए आपको दिखता है एक काला धब्बा जो कुछ देर बाद गायब हो जाता है, यानी इससे फिश को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो चलिए आप इसके अंदर चलते हैं और शूट करके देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है पानी में करंट दौड़ता है, तो जैसे ही आप इसमें शूट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। दूसरी बार और शूट करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं हुआ। देखिए हमने अभी अभी दो बार शूट किया है, अब दूसरी तरफ शूट करके देखते हैं दूर के साइड में। तो जैसे ही आप दूर में शूट करेंगे उसके बाद आपका खेल ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक मैंने पास पास ही शूट किया था अपने पास पास में, पता नहीं ये ग्लिच है कि क्या है, क्योंकि पास में शूट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और जैसे ही आप दूर में शूट करेंगे उस साइड शूट करेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो कॉर्नर से शूट करने से आपको शॉक लगेगा और आप तुरंत गिर जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गोल्डन फिश कैसे लें और जो गोल्डन गन्स है रिवॉल्वर्स हैं उनको कैसे लिया जाए। और इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वो बाइक, छोटी बाइक वाला जो चैलेंज है वो आपको दिखाना है कि नहीं, क्योंकि भाई वो काफ़ी टफ चैलेंज है, वाकई काफ़ी टफ चैलेंज है वो, जो एक बार में पूरा नहीं होता। तो आप बताइएगा कि उसमें कुछ हेल्प चाहिए, उसमें अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बिल्कुल लाऊंगा। तो फिलहाल तो ये है फिशिंग रॉड जिससे हमको फिशिंग करनी है, बस आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब दिखती है वो गोल्डन फिश, क्योंकि ये फिश रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, बहुत ही कम दिखती है भाई ये फिश। मैंने इतने बार ट्राई किया मुझे दिखती ही नहीं थी भाई ये फिश। आपको काफ़ी पेशेंस होना पड़ता है और कई बार गेम क्विट भी करना पड़ता है, तो तब जाके आपको दिखती है वो गोल्डन फिश। देखिए जैसे यहाँ पर है तो आपको वो चमकती हुई फिश दिखेगी जो बाकी फिश से बिल्कुल अलग होगी। तो आपको करना ये है कि उसको पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड को लगाना है और होप करना है कि फिश तुरंत ही आपके झांसे में आ जाए। तो जैसे ही वो पास में आएगी आप ये क्लिक करेंगे फिश का जो बटन रहता है, उसके बाद आपको मिल जाएगी ये फिश। देखिए फिर आपको लेना कुछ नहीं करना है, बस ये फिश को हाथ में रखना है और तुरंत भाग लेना है जैसे मैं भाग रहा हूँ। और इसका जाना कहाँ है, जाना है स्टॉल में। स्टॉल में क्या करना है, स्टॉल में है अपना मगरमच्छ जो कि है पेट मेरे ख्याल से रॉड का भाई, लेकिन वो पेट जरूर है रॉड का लेकिन उसे ही काट लेता है भाई। जब भी हम उसको छकाते हैं और रॉड उसके बीच में आ जाता है वो रॉड को ही काट लेता है, पता नहीं रॉड ने उसे क्यों पाल के रखा हुआ है। तो जो भी हो हमको क्या करना है, तो अब चलते हैं हम वापस वैन में और जाते हैं स्टॉल में। स्टॉल में जाकर जो प्लेट है जो मगरमच्छ की, उसमें जाके इसे रख देंगे हम, और जैसे ही वो इसे खा लेगा, उसके पास चाबी रहती है कैबिनेट की जिसमें वो गोल्डन गन्स रहते हैं, तो उसकी चाबी वो वहीं छोड़ देता है। तो आपको करना ये है कि उस चाबी को ले लेना है और स्टॉल में अंदर जाकर वो उस कैबिनेट को खोल लेना है, फिर दैट्स इट, गोल्डन रिवॉल्वर आपका। तो ये देखिए फिश मेरे हाथ में है, उसको मैं रख देता हूँ इसी प्लेट में और वेट करता हूँ कि आ जाए ये मगरमच्छ। आना चालू हो गया, देखिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखिए कैसा आ रहा है, उसे पता चल गया कि तुरंत उसके लिए खाना आया है। और ये देखिए उसने चाबी भी छोड़ दी, तो ये देखिए ये चाबी है। अब भाई आप पूछेंगे गोल्डन रिवॉल्वर से होता क्या है, कुछ नहीं होता भाई, मुझे लगा था पहले थे कि उस गोल्डन रिवॉल्वर से हम रॉड को मार सकते हैं, हालांकि मार सकते हैं। ये देखिए मैंने बताया था ना कि जैसे ही रॉड मगरमच्छ के सामने आया मगरमच्छ ने ही उसे काट लिया।
तो भाई इस गोल्डन रिवॉल्वर से रॉड मरता नहीं है, बल्कि स्लिंग शॉट से जैसे हम उसे मारते हैं वो चकराने लगता है, बस वही होता है उसके साथ में। इसमें दो बुलेट्स रहती है, बुलेट्स नहीं बोलेंगे, वो जो हम बचपन में लेते थे गन्स, जिसमें काला कलर का वो डार्ट लगा हुआ रहता था जो कहीं भी चिपक जाता था, बस उसी टाइप का डार्ट इसमें लगा हुआ रहता है, जिससे रॉड खाली चकराने लगता है और कुछ नहीं। इवन मगरमच्छ से तो इसको कुछ असर ही नहीं पड़ता, देखिए मैं मच्छ मारता हूँ तो उसको कुछ असर ही नहीं पड़ता, बल्कि वो गुस्सा हो जाता है। तो भाई ये था वीडियो जिसमें आपने जाना कुछ राज जो उस पॉन्ड के बारे में थे, और गोल्डन फिश और गोल्डन रिवॉल्वर्स के बारे में। होप ये आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल से गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।